अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम इंडिकेटर की ये जो रबड़ होती है ये चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का तरीका क्या है, इंडिकेटर को खोलने का तरीका क्या है, आज हम इसको खोलते हैं। दोस्तों, 12 नंबर की चाबी से सबसे पहले आपने इसका ये नट खोल लेना है। 12 नंबर का यहाँ पे नट लगा हुआ है, यहाँ पे ये दिखाएं भाई जान, आप ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम खोलते हैं। अभी इसकी वायर जो है वो हमने पहले उतार ली है। वो ये देखें दोस्तों, ये इसका इंडिकेटर जो है ये बाहर आ चुका है, ये आप देख लें। अब हम इसकी रबड़ जो है वो चेंज करें जी। तो दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है, अब हम इसकी रबड़ चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने इंडिकेटर के ये जो दो स्क्रू लगे हुए हैं ये खोलने हैं। इन दो स्क्रू को खोल के दोस्तों इसको हमने साइड पर रख देना है। उसके बाद ये इसकी निकाल लेनी है और यहाँ से इसको बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके बाद ये इसके अंदर एक नट लगा हुआ है, ये खोलेंगे। ये भी 12 नंबर का होता है दोस्तों। नोज प्लासी की मदद से हमने इसका नट जो है वो खोल दिया है दोस्तों। इसके बाद इसकी रबड़ को चेक करेंगे, रबड़ में मसला तो नहीं है या इसकी इंडिकेटर में मसला है। तो इसकी देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर की जो ये जो इसकी रबड़ है ये इसकी टूट गई है, इसलिए ये इसका इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। तो हम इसकी ये जो रबड़ है न्यू रबड़ ये चेंज करेंगे। यहाँ से भी ये टूटा हुआ है, इसका भी हल करेंगे और ये रबड़ हम इसकी चेंज करेंगे। ये रबड़ दोनों दिखाएँ भाई, ये इसको साइड पर रखें। ये इसकी दोनों रबड़ हैं, ये हम न्यू हमने ली है और ये पुरानी है इसकी। ये इधर से टूट गई है, ये अभी हम चेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने ये रबड़ इसमें लगानी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये नट जो है हमने टाइट कर दिया है, अभी हम इसकी वायर जो है यहाँ से गुजारेंगे इसके अंदर। ये अभी हमने एक वायर जो है इसमें गुजार दिया है। अब दोस्तों इसकी ये दूसरी वायर जो है ये भी हम यहाँ से इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। दोस्तों इसकी वायर जो है हमने इसके रबट में से गुजार दिया है, अभी हमने इसको इस तरफ खींचना है। दोस्तों ये इसकी जो वायर है ये हमने गुजार दिया है, अब हम ये वाला इसका लगाएंगे। अब दोस्तों इसके ये जो स्क्रू है ये हमने लगा देने हैं। दोनों स्क्रू यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं पेचकस की मदद से। तो दोस्तों हमारा इंडिकेटर जो है वो तैयार हो चुका है, ये देख लें। इसकी रबड़ बिल्कुल फिट हो चुकी है और ये रबड़ हमने निकाल दिया है, अभी हम इसको बाइक में फिट करते हैं। अब दोस्तों ये जो इसकी तार्स हैं वायर्स हैं इसको हमने यहाँ से इसके अंदर गुजार लेना है, इसके सराख के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वायर जो है ये इधर आ चुकी है। तो दोस्तों ये ओल्ड मॉडल का इंडिकेटर है, इसका 12 नंबर का नाट होता है। जो न्यू मॉडल है उसमें 14 नंबर का नाट लगा होगा, वो आपने यहाँ पे टाइट कर देना। दोस्तों हमने इसकी जो वायर्स होती है ये आगे गुजार दिया है। यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की वायर होगी और एक ग्रीन कलर की वायर होगी, उसके साथ आपने इनकी दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। तो आपका इंडिकेटर की रबड़ जावर डाल चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।